और इसी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान इसराइल पर मिसाइल अटैक कर सकता है, ये बड़ी खबर। अमेरिका का हमले का ये इनपुट है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ईरान इसराइल युद्ध से जुड़ी जो आ रही है। जिस बात की आशंका थी वही हुआ है, इसराइल ने यहां पर ईरान ने इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और लगातार इस बात की आशंकाएं भी थी कि जल्द ही ईरान इस पूरे युद्ध में अब प्रत्यक्ष रूप से कूद जाएगा, और ऐसा होता हुआ अब साफ दिख रहा है। 100 मिसाइलों से इसराइल पर यह हमला किया गया है। कम से कम ईरान ने 100 मिसाइलें यहां पर गिराई हैं, और ईरान ने इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी इसराइल किस तरीके से लगातार लेबनान पर, खासतौर पर हिजबुल्ला पर, हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला को भी उसने खत्म किया। और उसके बाद से ईरान ने यह कह दिया था कि वो इस बात का बदला लेगा। बदला लेने में उसको वक्त जरूर लगा, लेकिन अब यहां पर प्रत्यक्ष रूप से ईरान इस पूरे युद्ध में कूद चुका है इसराइल के साथ। तो ईरान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देखिए किस तरीके से अब सब कुछ बदलता हुआ यहां पर दिख रहा है। अंदेशा इस बात का पहले से ही था कि किसी भी तरीके से ईरान अगर ज्यादा यहां पर हमले किए गए हिजबुल्ला पर इसराइल की तरफ से तो वो कूद सकता है, और अब यहां पर ईरान साफ तौर पर कूद चुका है इस पूरे युद्ध में। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे शिवानी की कि ईरान की तरफ से अब इस युद्ध में सीधे तौर पर वो शामिल हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला जिसको कि वो बैक कर रहा था उसके सुप्रीम कमांडर को मार दिया, उसके सारे टॉप मोस्ट कमांडर मार दिए गए। उसके बाद से ही ये साफ हो रहा था कि ईरान हो सकता है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, और वही जो डर है वो अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी ये कयास लगाए गए थे कि हो सकता है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल तक लॉन्च की जाए, और अब जो जानकारी मिल रही है थोड़ी देर पहले, चूंकि एक एक सिस्टम है जो एयर डिफेंस का सिस्टम है वो सीधे कनेक्ट है सायरन से, और जैसे ही किस तरीके की कोई एक्टिविटी या ऐसा लॉन्च या एरियल टारगेट आता नजर आता है तो पूरे इसराइल में अलग अलग जगह सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम होता है जिस वक्त हमास की तरफ से अटैक होते हैं तो जो गाजा की तरफ के इलाके वहाँ सायरन बजते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च की गई है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में, और संदीप यानी हालात खतरनाक है और कई लोगों की जान भी इसमें जा सकती है, क्योंकि 100 मिसाइलों से हमला यहाँ पर किया गया है। ये सीधे ईरान ने इसराइल पर अपना हमला बोल दिया है, और अब आपको इसराइल और ईरान एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि ईरान ने बिगुल फूंक दिया है इस युद्ध का। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 100 मिसाइलों के जरिए अटैक यहाँ पर किया गया है, लेकिन क्या कोई नुकसान की खबर इसको लेकर फिलहाल सामने आ रही है? सबसे अहम बात बता दें कि इसराइल के दक्षिणी हिस्से को अगर छोड़ दे, दक्षिणी हिस्सा जो कि यमन की तरफ का है और जहां वो यमन और जॉर्डन की तरफ का, उस इलाके को छोड़ दे तो पूरा का पूरा इसराइल इस वक्त रेड अलर्ट में है, उत्तर से लेकर जो कि लेबनान बॉर्डर से लगता है, और अगर आप दक्षिण में आए तो गाजा की सीमा से लेकर जेरूसलम तक। जेरूसलम का जो इलाका, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे, जेरूसलम का इलाका ईरान की रेंज से नजदीक पड़ता है, और पूरे जेरूसलम के आसपास, हाइफा के आसपास, तेल अवीव के आसपास, सुदूर दक्षिण से उत्तर के इलाके से लेकर पूरे इसराइल में रेड अलर्ट के सायरन है। और पूरा का पूरा जो इसराइल का अगर मैप आप देखेंगे तो इस वक्त वहां एक के बाद एक सैकड़ों से ज्यादा जो हमें अलर्ट आया है, न्यूज 18 इंडिया को जब भी मैं वहां मौजूद था इसराइल में तो हम लोग को भी अलर्ट आते थे, वो जो अलर्ट आया है आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में, 100 से बहुत ज्यादा है, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार अप्रैल में जब ईरान ने इसराइल पे हमला किया था तो बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, कुछ मिसाइल जरूर भी दक्षिणी इलाके में, दक्षिण से जो उत्तर का हिस्सा है वहां गिरा होगा। तो ईरान ने एक बड़ा हमला किया है, सैकड़ों की संख्या में मिसाइल दागे हैं। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस बीच इसराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही कह दिया था हम बदला लेंगे, बदला लेने में वक्त उनको लगा लेकिन बदला ले लिया गया है, लेकिन इसराइल की अब इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, नेतन्याहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी वहाँ जो अलर्ट के जो गाइडलाइंस है इसराइल की तरफ से, IDF की तरफ से पहले ही जारी कर दिए गए थे। तमाम लोग, जितने लोगों से आपसे बात करने से पहले कुछ इसराइल के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन व्हाट्सएप भी नहीं लग रहे क्योंकि वो अभी बंकर में होंगे, अपने घर के बंकर में। इसराइल में
सभी के घरों में बंकर्स भी होते हैं। गाजा की सीमा के नजदीक तो होता ही है, लेकिन जेरूसलम का इलाका है, उत्तर का इलाका है जहां से लेबनान नजदीक पड़ता है, लेकिन ये हमला ईरान के साइड से हुआ है तो जेरूसलम का इलाका नजदीक पड़ता है, तो हर जगह ये हमला हुआ, सब लोग अपने अपने बंकर्स में हैं। और अभी रात में दोबारा से बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरे मिसाइल के जरिए हमला कर सकता है। जो मिसाइल दागे गए हैं, इसराइल पहले से अलर्ट था, उसमें से बहुत सारे मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इसराइल ने मार गिराया होगा, कुछ मिसाइल जरूर गिरे होंगे जिसकी जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप कह भी रहे हैं कि अलर्ट पहले से ही था इसराइल इस बात को लेकर, लेकिन एक तरीके से ईरान को युद्ध में झोंकना ये इसराइल का ही काम था, क्योंकि बार बार वो हिजबुल्ला को उकसा रहा था, उस पर अटैक कर करके लेबनन पर उसने अटैक किए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ईरान यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है। और अब क्या लग रहा है आपको, युद्ध अब किस ओर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब ईरान का रुख इसराइल की तरफ है और इसराइल का भी पूरा फोकस अब ईरान की तरफ रहेगा। देखिए, इस युद्ध में किसी एक देश को ये कहना कि किसी ने दूसरे को उकसाया, देखिए इसराइल के तर्क अपने, इसराइल का ये कहना है कि जो उत्तर बॉर्डर है, इसराइल की जो उत्तरी सीमा है, जहां बेतुला, नहारिया, इसके अलावा हनिकरा, हाइफा, ये सब जो इलाके हैं, वहां से लोग अपने घरों को खाली करके तेल अवीव, जेरूसलम, दक्षिणी हिस्सों में जा चुके हैं। तो ऐसे में इजराइल का बार बार ये कहना कि हिजबुल्ला रॉकेट दाग रहा था और वो अपने लोगों को उत्तरी हिस्से में बसाएगा, और उसके बाद ये नसरल्ला का ऑपरेशन किया था, जब खुद नेतन्याहू, ये जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, ये जो लाइटनिंग की जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं, इस तरह से मिसाइल साथ में, और जो आयरन डोम है, बहुत सारे मिसाइल को बीच रास्ते में ही, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच की दूरी हजारों, कई सौ मीटर में, कई सौ किलोमीटर में है हवाई में, तो आते वक्त इसराइल के पास रिस्पांस टाइम बहुत होता है, लेकिन जब आप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हैं तो उनकी गति बहुत होती है, क्योंकि जब गाजा ये रॉकेट छोड़ता था तो उनके पास, इसराइल के पास रिस्पांस का टाइम 3 सेकंड से लेकर, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दे, जब मैं गाजा में था, अलग अलग गाँव में 3 सेकंड से लेकर तेल अवीव में 1 मिनट तक का रिस्पांस टाइम होता था इजराइल के सामने। नीरज लौटेंगे आपके पास, संदीप बोल भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास फिलहाल क्या इनपुट्स आ रहे हैं, जो एडवाइजरी अब इजराइल की ओर से जारी की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश वहाँ के लोगों को अब दिए गए हैं? देखिए, इसराइल लगातार जो है खतरे को भांपते हुए, असेस करते हुए, लगातार उनकी जो होम फ्रंट की जो डिफेंसिव गाइडलाइन है उसको बदलता रहा है, और आज भी शाम तक एक डिफेंसिव गाइडलाइन बदली गई, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से IDF ने ये साफ कर दिया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चौकस है। अभी तक ये उन्होंने नहीं कहा कि कोई आके गिरा है, किसी जगह मिसाइल गिरी है, क्योंकि जो लॉन्च होता है, क्योंकि जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है वो दूर से ही पिक कर लेता है अगर कोई भी जो मिसाइल है वो लॉन्च होती है, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि उस मिसाइल को किस तरीके से उसको एंगेज किया गया होगा। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी इस वक्त उड़ान भर चुके होंगे, क्योंकि कई सारे लेयर्स में ये सिक्योरिटी होती है, तो अभी तक ये जानकारी नहीं है कि जो वहाँ से मिसाइल दागी गई है क्या वो वाकई इसराइल तक पहुँच पाई है, नहीं पाई है, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम का ज़बरदस्त जो है एक गठजोड़ है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसके साथ बड़ी थोड़ी समस्या ये हो जाती है कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। संदीप, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हमास की ओर से अटैक किया गया था तो यही वो आयरन डोम था जिसके जरिए कई सारी मिसाइलें अंदर पहुंच गई थी और बहुत नुकसान उस वक्त इसराइल को हुआ था, वहां से घुसपैठ भी उनकी ओर से की गई थी, लोगों को उठा के ले गए थे, लेकिन अब कितने बदलाव यहाँ पर किए गए हैं इसराइल की ओर से कि ईरान की मिसाइलें ऊपर की सतह पर तक ही टिक पा रही हैं? देखिए, दोनों अलग अलग तरीके की मिसाइल यूज करते थे, क्योंकि अगर हम लोग हमास की बात करें तो हमास के पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के रॉकेट थे, उनके पास मिसाइल नहीं थी। रॉकेट्स का मतलब होता है वो एक एरिया वेपन है, वो कोई पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कहीं पर हिट नहीं करते, आप उन्होंने उसको फायर किया और वो जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितनी उसकी क्षमता उतनी क्षमता में जाके गिर जाता है। लेकिन जो मिसाइल होता है वो मिसाइल पूरी तरीके से टारगेट को लॉक करके भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि अगर उनको ईरान को, अगर तेल अवीव में किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को हिट करना है तो वो उस हिसाब से उस मिसाइल को ऑपरेट कर सकता है। मिसाइल और रॉकेट में ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका जो काम करने का तरीका होता है वो पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, यानी सीधे लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा और उसके बाद जो उसमें कोऑर्डिनेट्स
फिट होंगे या जो उनको जगह दी गई होगी कि ये जगह है यहाँ पे हिट करना है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर के अंदर फिर दोबारा आएगा और इतनी स्पीड से आएगा कि फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको जो है वो क्रैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसराइल के पास बहुत ज्यादा बेहतर तकनीक है, उसके पास कई सारे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इसराइल की सीमा के अंदर। संदीप को देखिए आप यहाँ पर युद्ध के मुहाने पर इस वक्त इसराइल और ईरान आ चुके हैं, ईरान ने हमले अपने शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया नीरज आपकी जानकारी के लिए, संदीप आपका भी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर दरअसल इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जिसकी वजह से बचाव अब तक हुआ है इसराइल का।